नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। फ्रेंड, लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है, सिर्फ हमारी सोच है जो कि किसी काम को संभव या असंभव मान लेती है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में वो सब काम कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। अगर तुम में किसी चीज की कमी है तो वो है तुम्हारा खुद पर विश्वास और तुम्हारी शुरुआत। कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ काम ऐसा जरूर होता है जो उसको लगता है कि इस काम का होना असंभव है, और अगर कोई उसी काम को कर दे और हम ये सोचने में लग जाते हैं कि उस आदमी की किस्मत कितनी अच्छी है और हम उस आदमी को बहुत महत्व देने लगते हैं। फ्रेंड, असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं, अगर मान लिया तो हार हो जाती है और अगर ठान लिया तो जीत। फ्रेंड, पहले वनडे में 300 रन बनाना बहुत बड़ी बात थी और ये एक हाई स्कोर था, लेकिन अब 300 रन एक एवरेज रन बनकर रह गया है। वनडे में एक प्लेयर द्वारा डबल सेंचुरी मारना एक बहुत बड़ी बात थी, सबको असंभव सा लगता था, लेकिन जब पहली बार वनडे हिस्ट्री में एक ही मैच में 24 फरवरी 2010 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सचिन द्वारा डबल सेंचुरी लगी तो ये असंभव संभव हो गया। और उसके बाद वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, मार्टिन गप्टिल, क्रिस गेल, फखर जमान, सभी के लिए डबल सेंचुरी मारना एक आम बात बनकर रह गई। फ्रेंड, कोई बात नहीं अगर आप हार मान गए हो, कोई बात नहीं अगर आप हिम्मत हार गए हो, लेकिन अपनी लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना कि कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर आएगा जो उसी काम को कर जाएगा, क्योंकि फ्रेंड मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत जाता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। फ्रेंड, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।